सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करेंगे कि निफ्टी का एक फॉर्मेशन के बारे में, जो पैटर्न्स जो बना रहा है, और इलिट वेव के थ्रू निफ्टी लॉन्ग टर्म पे और शॉर्ट टर्म पे और इंट्राडे में कैसा लग रहा है, क्या वो डाउन साइड दिखा रहा है और क्या वो लॉन्ग पोजिशन बनाने के उसमें है। तो मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा, हम इसमें आज मंथली चार्ट में इलेट वेव का इस्तेमाल करेंगे, पैटर्न के बारे में हम थ्योरी के बारे में इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा और अब मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गई है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और एक खतरनाक चीज देखने को मिली है मंथली चार्ट में, अगर हम इलेट वेव पैटर्न को बनाएंगे तो उसमें हमें एक बहुत डराने वाली चीज देखने को मिली है, जो 2008 में हुआ था वो वापस ऐसा हो सकता है। तो वो पूरी जो डिटेल है, वो डिटेल मैं आपके साथ दो वीडियोस में शेयर करूंगा, जो एक वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कहां तक निफ्टी जा सकता है। और मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऐसे पांच रीजन जिसकी वजह से निफ्टी बहुत नीचे गिर सकती है या बहुत ऊपर जा सकती है। इसमें आपको पता चल जाएगा निफ्टी का क्या ट्रेंड बना हुआ है, और उसके बाद अगर आप वो पांच कॉजेस देखेंगे जिसमें से एक निफ्टी की एनालिसिस है जो हम चार्ट में आज करने वाले हैं, और जो चार चीजें हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें हम क्रूड ऑयल के बारे में देखेंगे, यूएस इकोनॉमी, जो यूएस की इकोनॉमी है वो डेब्ट इकोनॉमी बनती जा रही है, वो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, कोई भी आपको पूरे यूट्यूब चैनल में नहीं बता पाएगा कि यूएस इकोनॉमी एक डेब्ट इकोनॉमी है। तो उसके बारे में हमें समझना होगा कि वो क्या चल रहा है, और क्योंकि हमारी मार्केट उसकी मार्केट से रिएक्ट करती है तो वो सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं जो ट्रेड टैरिफ आ गया है और जो चाइना का जो एम था 2020 एक पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड वो कंट्री बन जाती, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई है जो यूएस ने खड़ी कर दी है, तो उसके बारे में हम पूरी स्टडी करेंगे। तो ये ऐसे बहुत से एफआईआईज, एक सबसे खतरनाक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो अभी तक आपको किसी न्यूज चैनल ना कभी किसी वीडियो ने आपको बताई होगी, वो एफआईआई का डाटा मैं आपके साथ शो करने वाला हूं। तो वो डाटा देखकर आप समझ जाएंगे कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है और कंट्रोल कौन कर रहा है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं तो वो लोग वहां से निकल रहे हैं, पर एक्चुअली हो क्या रहा है वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूं। एक खास चीज और मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूं, जो है स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग की कोचिंग। तो इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने वाला हूं, जिसमें आपको इंट्राडे में कैसे बाइंग बनानी है, कैसे शॉर्ट करना है, किस तरीके से आप वो पैटर्न यूज करेंगे तो आप इंट्राडे में अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, और आप वो रेजिस्टेंस और वो सपोर्ट पता लगा पाएंगे कि जहां से जिस तरीके से वो इंट्राडे में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, आप पोजीशंस बना के अच्छे खासे टारगेट्स पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्सेस के अंदर अर्न कर सकेंगे। वो पूरी थ्योरी हम पढ़ेंगे, कैसे हमें डाटा को एज्यूम करना है, क्या न्यूज रिलेटेड स्टॉक्स हमें निकालने कैसे होते हैं, वो पूरी मैं आपको एक ट्रेनिंग कोर्स देने वाला हूँ जिसकी सीरीज में लेकर आ रहा हूँ। इस हफ्ते से ही हम स्टार्ट कर देंगे वो सीरीज, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको वो सबसे पहले मेरी वीडियोस मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, तो मैं कल से ही वो सीरीज स्टार्ट कर दूंगा आप सब लोगों के लिए, जिससे आप एक मंथ के अंदर अंदर ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे। तो बढ़ती है चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम आर्ली चार्ट देखेंगे, डेली, वीकली और मंथली देखेंगे, तो आपको नियर टर्म या इंट्राडे ट्रेंड से लेकर लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा। तो इसमें मैं आपको कुछ पैटर्न्स भी समझाऊंगा और एक लिमिट वेव के बारे में थोड़ा सा बता भी दूंगा। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। तो गाइस, आप यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर आर्ली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है निफ्टी का, और यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा पैटर्न बना हुआ। तो ये पैटर्न बना क्या है, आज हम उस पैटर्न के बारे में समझेंगे। तो पहले मैं आपको लेकर चलता हूं उस पैटर्न के बारे में, तो हम साइड बाय साइड बनाते भी रहेंगे और इसको हटाते भी रहेंगे। सबसे पहले हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये पैटर्न मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कैसा पैटर्न बना है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि क्या बना रहा है। आप देख सकते हैं इसने ये यहां तक गया और वहां से इसमें एक डाउनसाइड आते हुए हमें देखने को मिल गई। अब आप देख सकते हैं ये आपको एक डब्ल्यू शेप का पैटर्न दिख रहा होगा, डब्ल्यू शेप का पैटर्न। बहुत से ऐसे पैटर्न हैं जो डब्ल्यू शेप का पैटर्न बनाते हैं, पर उसे अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अब ये जो पैटर्न बना है इसे हम कहते हैं गाटले पैटर्न। गाटले पैटर्न का मतलब ये होता है कि हमने एक डाउनफॉल देखी,
एक अप मूव आई, अप मूव के बाद एक डाउन मूव आई, उसने अपने बॉटम को टच टेस्ट नहीं करा वरना उसे ब्रेक नहीं करा, हमने फिर एक शार्प मूव देखी, वो शार्प मूव ऊपर का जो हाई बनाया था जहां से वो फॉल होना शुरू हुआ था उसको टेस्ट नहीं करा, और वहां से हमने एक और डाउन साइड आते हुए देख ली। अब वो जो डाउन साइड आई है वो डाउन साइड हमें कहां तक लेकर जा सकती है, जिसका पहला लेवल बनता है जो ये लेवल होता है, आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर, ये एक लेवल है जहां से हम कहते हैं कि इसका जो पहला टारगेट है वो अचीव हो जाता है, ये इसका पहला टारगेट है जो अचीव हो चुका है जो कि है 10,700 का, और जो इसका दूसरा टारगेट है वो उसका जो दूसरा टारगेट होता है वो होता है नेक्स्ट लेवल, ये हमारा एक दूसरा टारगेट होता है जो कि है 10,550 का लेवल। तो हम कह सकते हैं कि यहां तक निफ्टी जा सकता है, अब आराम से जा सकता है यहां पर निफ्टी। तो अब हमें करना क्या है, ये आर्ली चार्ट में जो पैटर्न बना है ये एक नेगेटिव पैटर्न बना है, गाटले पैटर्न, अगर ये पैटर्न उल्टा बनता तो हम कहते हैं कि ये एक पॉजिटिव पैटर्न है और अभी एक हम अपसाइड की हम बात कर सकते हैं। पर जिस तरीके से हमने देखा ये इस लेवल को टेस्ट करा, उसके बाद से हमने एक डाउनफॉल आते हुए देखी, और वो 10,760 के नीचे अगर निफ्टी जाता है, और ये इसका हम आर्ली चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें देखना है, यहाँ आप देख सकते हैं इसने एक ये डबल बॉटम बनाया है, ये आप देख सकते हैं 10,700 के लेवल पे, तो इस एक्सपायरी में 10,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जहां से निफ्टी अगर नीचे गया भी तो क्लोजिंग बेसिस में वो 10,700 के ऊपर जाके सस्टेन कर सकता है। तो अगर कोई हैवी सेल ऑफ या कोई बैड नेगेटिव न्यूज आती है तो हम कह सकते हैं कि वो 10,700 के नीचे क्लोजिंग दे दे, पर उसके बाद भी शायद हम कह सकते हैं कि वो 10,700 के ऊपर जाके ही क्लोजिंग दे, क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेंज की बात करें तो वहां पर लग रहा है कि 10,700 और 10,900 के बीच में ही मार्केट अपनी एक्सपायरी देगी। तो अभी हमें रेंज देखनी है, तो आप देख सकते हैं इसने डबल बॉटम बना रखा है आर्ली चार्ट में 10,700 के पास, तो अगर कल मार्केट 10,700 के पास आती है तो आप वहां पर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर उसे टेस्ट करके नीचे क्लोजिंग टेस्ट करके वो नीचे सस्टेन करती है तो आपको वहां से एग्जिट कर लेना, वरना आपको पोजीशंस नहीं बनानी है, वरना अगर वहां से रिकवर करके वो 10,700 के आसपास आता है तो आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 10,760 जो इसने आज यहां पर क्लोजिंग दी है। जिस तरीके से हम investing.com में अगर आप जाएंगे वहां पर अगर आप डाउट को देखेंगे, डाउ जोन्स को देखेंगे, नैसडैक को देखेंगे, तो वो बहुत तेजी से गिरे हुए हैं, और अगर हम बात करें तो हैंगसेंग गिरे हुआ है, एशिया मार्केट गिरा हुआ है, तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि कल हमारी मार्केट भी गिर सकती है, और गिर तो सकती है क्योंकि हम देख रहे हैं एक्सजीएस निफ्टी बार बार हमें एक डाउन साइड दिखाता है कि अब वहां से मार्केट एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा, पर वो सेल ऑफ के बाद मार्केट एक रिकवरी दे देती है। तो अब हमें देखना है कि कल मार्केट जब एक एक्सजीएस निफ्टी जब मार्केट में गिरेगा तो जब मार्केट ओपन होगी तो क्या मार्केट सस्टेन हो सकती है या नहीं होगी। तो अगर आपको कल मार्केट 10,700 के पास मिलती है तो वहां से आप बाइंग पोजीशन बनाइए फॉर अ टारगेट ऑफ 10,760 और वो फॉर अ टारगेट ऑफ 10,800। अगर कल मार्केट यहां से गिरना शुरू होती है वो 10,700 के नीचे और 11 बजे तक भी उसके नीचे सस्टेन करती है तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 10,550 का बनेगा और एक्सपायरी को वो एक तरीके से निगलेक्ट कर देगा। अगर हम एक्सपायरी में जाते हैं, मैं आपको एक छोटा सा डाटा दिखाता हूँ एक्सपायरी में, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 की जो पुट थी वहां पर लोगों ने पुट राइटिंग करनी शुरू करी है, अनवाइंडिंग करी है, आप देख सकते हैं पुट अनवाइंडिंग हो रही है, ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अराउंड 10 लाख जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिला है, डिक्रीज देखने को मिला है, और वहीं पर ही जो 10,800 की कॉल है वहां पर लोग अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बनते आ रहा है कॉल ऑप्शन, अगर हम एक डाटा की बात करें तो 10,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और उसी बेसिस में कल लगता है कि 10,700 अगर निफ्टी तोड़ती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 10,550 का हो सकता है। तो हमने तो देखा आर्ली चार्ट में इंट्राडे बेसिस या एक दो दिन का जो हमारा रेंज बन रही है उसमें मैंने आपको सजेस्ट करा आप एक बार सारे जो आपके पर्टिकुलर स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में आप उसको ऑब्जर्व करिए कि ऐसा कोई पैटर्न बना रहा है नहीं पैटर्न बना रहा है, आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये पर्टिकुलर स्टॉक में ये पैटर्न बन रहा है, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा कि हाँ ये पैटर्न उस पर्टिकुलर स्टॉक में बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इससे आपको भी नॉलेज मिलती रहेगी, आप भी हल्का हल्का समझ पाएंगे और मुझे भी पता लगेगा कि आप लोग मेरे जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले मंथली चार्ट के अंदर।
मंथली चार्ट के अंदर हम बढ़ते हैं तो इसमें आपको जो मैं बताने वाला था एफआईआईज के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन, एक पैटर्न होता है जो हम थ्योरी में ही पढ़ते हैं, डाउ थ्योरी के अंदर ही पढ़ते हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सीरीज के अंदर, जिससे आप एक मार्केट एक्सपर्ट बन पाएंगे। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप किसी भी चीज को अगर देखेंगे तो आप पता लगा लेंगे कि हाँ यहाँ से मार्केट गिरने वाली है, यहाँ से मार्केट बढ़ने वाली है। तो वो सारी नॉलेज, और एक एक्सपर्ट बनने के लिए ज्यादातर आपको नॉलेज भी होनी चाहिए इकोनॉमी के बारे में, मैक्रो फैक्टर्स के बारे में, और प्लस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो दोनों की नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस चैनल के अंदर, तो मेरे साथ बने रहिए और थम्स अप इस वीडियो को जरूर दे दीजिएगा कि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने के लिए। अब हम आ गए हैं मंथली चार्ट में। अब मंथली चार्ट में आने से पहले मैं आपको पेंट्स में लेकर चलता हूँ और यहाँ पर आपको इलिट वेव के बारे में एक डिटेल दे देता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे जब मैं वो पैटर्न बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का क्या ट्रेंड होने वाला है मंथली बेसिस में। तो गाइस हम शुरू करते हैं। आपको ड्राइंग थोड़ी पसंद नहीं आएगी तो आप एक बार ऐसे ध्यान से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसने एक अपमूव दिया, अपमूव देने के बाद हमने एक करेक्शन आते हुए देखा। जब हमने करेक्शन आते हुए देखा तो वो करेक्शन ने इस बॉटम को टेस्ट नहीं करा और वहां से ये एक अपमूव की तरह चली गई ऊपर, अपमूव की तरह ऊपर चली गई और ये इसने हायर लेवल बना दिया। जो ये इसका जितना ये परसेंट से इंक्रीज करे, मतलब अगर हम मान के चले ये लेवल जो था ये 9000 था और ये लेवल जो था ये 10000 था, तो मतलब 1000 पॉइंट्स की मूव अगर निफ्टी ने दी है फॉर एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो ये मूव देगा, ये जो हम मूव देख रहे हैं, ये वाली जो मूव दे रहा है, ये वाली मूव देगा उसका 161% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि होगा अराउंड 1500 पॉइंट्स का। तो ये मूव देने के बाद यहां से फिर इसने एक डिप दी, डिप देने के बाद इसने जो डिप दी वो इसने प्रीवियस अपने जो हाई बनाया था उसको क्रॉस नहीं करा, इसके नीचे नहीं गया और यहीं से इसने एक और अपमूव दे दी। अपमूव देने के बाद इसने इस लेवल को होल्ड करा, इस लेवल के ऊपर जैसे इसने ब्रेकआउट दिया हमने देखा कि यहाँ पर अपमूव आ गई है, और अपमूव जनरली 161% ही आती है। और जो हम पहला टारगेट अचीव करते हैं वो करते हैं कि जो ये हाई है वहां तक ये जाएगा। अब आपको मैं एक खास बात बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये इसने बनाया पहला फॉर्मेशन, ये इसने बनाया दूसरा फॉर्मेशन, ये हम कह सकते हैं ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है पांचवा। तो इलिट वेव जब बनता है तो हमें टोटल 5 फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जहां से एक अपमूव दी, एक गिरावट आई, उसने बॉटम को नहीं तोड़ा, वहां से एक और अपमूव आई, वहां से फिर एक गिरावट आई, अपने अपने हाई को नहीं तोड़ा, वहां से एक और अपमूव आई और वो जो लेवल था वो फिफ्थ इवेट वेव बन के आ गया। ये फिफ्थ इवेट वेव जब बनता है और हम कह सकते हैं यहां से एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है। अब वो डाउन ट्रेंड कैसा बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसा, ये आएगा इस लेवल को टेस्ट करेगा, यहां से थोड़ा सा नीचे जाएगा और एक अपमूव ऊपर की तरफ देगा, ऊपर की तरफ जो जब अपमूव देगा और फिर वहां से वो जब गिरेगा तो वो कुछ ऐसा गिरेगा। तो अब हम कह सकते हैं ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो हम कह सकते हैं इस लेवल से, ये जो इवेट वेव का फिफ्थ लेवल है, ये जो फिफ्थ लेवल है, यहां से हमें अपनी सेलिंग बनानी है, और सेलिंग जब हम बनाएंगे तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा जो हमने फिफ्थ थर्ड का हाई बनाया था, वहां से हम उसको टेस्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और ऊपर की जब हम तरफ बढ़ेंगे तो वो जिसने अपना हाई बनाया था उसको क्रॉस नहीं करेगा, और वहां से जो हमारी गिरावट आएगी वो गिरावट आएगी जो इसने पहला जो टॉप बनाया था वन, और वहां पर गिरावट आएगी। तो आप समझ सकते हैं अराउंड 2000 पॉइंट्स तक की हम इसमें फॉल देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये होता है इलिट वेव की, पहले 5 ऐसी वेव्स बनती है और 5 वेव्स के बाद मार्केट का रिवर्स पैटर्न शुरू हो जाता है या रिवर्स ट्रेंड शुरू हो जाता है, और वो पैटर्न उसे पहले टॉप के लेवल तक लेकर चले जाता है। तो गाइज आप समझ गए होंगे, अब हम इसमें देखते हैं, अब यहां पर आप देखकर अपने आप समझ जाएंगे कि कैसा वो बनने वाला है। मैं ट्रेंड लाइन ओपन कर देता हूँ। इसमें हम जब मंथली चार्ट लेते हैं तो जो यहाँ पर शेडोज होती है हमें उसे भी ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो हमने शेडो यूज करी, एक पहला वेव बना, वहां से हमने देखा एक सेकंड, सेकंड के बाद हमने देखा कि यहां से ये एक थर्ड वेव बनाएगा, थर्ड वेव बनाने के बाद फिर एक हमने एक फॉल आते हुए देखी। जब हमने फॉल आते हुए देखी तो उसने उस लेवल को नहीं तोड़ा, आप यहां पर देख सकते हैं, इधर देखिएगा, इस लेवल को नहीं तोड़ा, और यहां से फिर हमने एक अपमूव आते हुए देख ली। ये जो अपमूव आई है, ये अपमूव आ गई है, इस अपमूव के बाद ये इसने
अपना बना दिया पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा वेव, चौथा वेव, और ये हो गया पांचवा वेव। अब जो ये पैटर्न बनाएगा वो यहां से जो पैटर्न वो बनाएगा वो ऐसे कुछ बनाएगा, ये यहां जाएगा, एक्यूमिलेट करेगा, यहां से हमें एक और बाइंग आते हुए देखेंगे। जब हम बाइंग आते हुए देखेंगे तो वो बाइंग से हमें शॉर्ट करना है फॉर लेवल ऑफ दिस। ये हमारा लेवल होगा जो कि होगा हमारा अराउंड 10,000, जो कि हमारा अराउंड होगा 7,000 का। गाइज अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 7,000 का लेवल कैसे आ सकता है। गाइज आप लोग यही सोच रहे होंगे कि 7,000 का लेवल आ ही नहीं सकता, पर मंथली चार्ट में हम लोग लेकर चलते हैं 10 ईयर्स या 5 ईयर्स अबव के थ्योरी। तो गाइज जैसे कि हमने देखा था 2008 में रिसेशन आया था, वहां पर कोई भी बायर नहीं था, कोई भी बायर नहीं था 2008 के अंदर जब एक रिसेशन आया था, और वहां पर सिर्फ लोग जो बायर थे वो थे FIIs। वहां पर FIIs ने अपनी बाइंग स्टार्ट करी, उस बाइंग में स्टार्ट करने के बाद वो लोग 2011 तक बाइंग करते रहे, 2012 तक बाइंग करते रहे। जब उन लोगों ने 2012 तक बाइंग स्टार्ट करी या बाइंग करते रहे 3-4 साल तक उन्होंने अपनी पोजीशंस को बाइंग में रखा, उसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स थे वो 2012 में एक्टिव हुए, 2012 में एक्टिव हुए तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए या एक्यूमिलेट करने लग गए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं एक्यूमिलेट करने लग गए स्टॉक्स को। वो लोग ने देखा कि जो FIIs है वो बाइंग कर रहे हैं तो हम भी बाइंग करेंगे। उसके बाद एक साल बाद हमें पता चला कि FIIs ने ये स्टॉक्स को बाय कराए, और 2016 से हम जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्टिव हुए। हम जैसे इन्वेस्टर्स 2016-2017 में एक्टिव होना शुरू हुए, और हम लोगों ने मार्केट में म्यूचुअल फंड्स को देखकर पोजीशंस बनाना शुरू कर दी। उसके बाद आया ये कि पीरियड जो FIIs है वो 10 ईयर्स तक का लेकर चलते हैं, यानी 1 ईयर का, 1 डिकेड का टाइम पीरियड लेकर चलते हैं, वहां से वो लोग अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं 2008 में FIIs ने अपनी बाइंग पोजीशन बनाई थी, और 2008 में आप अगर आप FIIs का डाटा देखेंगे तो वहां पर सिर्फ आपको सेलिंग ही दिखेगी, यानी FIIs अपनी जितनी भी पोजीशंस 10 साल में बनाई थी वो सारी स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, और वहां पर उसके बाद जब स्क्वायर ऑफ कर देंगे वो 2-3 साल के अंदर अंदर तक सारी पोजीशंस, वहां पर कोई भी बायर नहीं रहेगा, कोई भी बायर खरीदने वाला नहीं रहेगा जब हम बेचने जाएंगे, और वहां से मार्केट एक वापस 2008 की तरह रिसेशन में चली जाएगी। ये आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मेरे चैनल में आपको बताया जा रहा है। ऐसी बहुत सी ऐसी न्यूज़ेस आ रही हैं, बहुत से ऐसे चार्ट पैटर्न और चीजें जो फैक्टर्स हैं जो डिस्क्राइब कर रही है पूरी कंफर्मेशन से कि मार्केट यहां तक जा सकती है, वो सारी चीजें इस चैनल में आपके साथ शेयर करी जा रही है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए रिसर्च कर रहा हूँ, दिन रात मैं आपके लिए रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं आपको भी सिखा सकूँ, और जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो गाइज प्लीज इस वीडियो को लाइक दे देना जितने लोग भी मेरी वीडियोज को ऑब्जर्व करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, ये 2008 के अराउंड लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई थी, एक्यूमुलेट हुआ, यहां पर म्यूचुअल फंड्स आए, म्यूचुअल फंड्स ने मार्केट को ऊपर लेकर गए। मैंने आपको कहा था 2011-2012 के अराउंड म्यूचुअल फंड्स एक्टिव हुए थे, वो मार्केट को ऊपर लेकर गए, और 2016-2017 के अराउंड हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर लेकर गए, और वहां जाके बनी इलेट वाइव वे की थ्योरी। वहां पर इलेट वाइव बन चुकी है, वेव फिफ्थ वेव बन चुकी है। अब वहां से अब आप देख सकते हैं, छोटा सा आपको काम करना है कि FIIs का NSE में जाके आप डाटा दे सकते हैं, वो लोग कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं और वहां से अपनी सारी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं। ये खास चीज आपको कोई नहीं बता रहा, तो यहां से जब 2-3 साल में वो सारी पोजीशंस अपनी बेच देंगे तो मार्केट अपना इलेट वेव के पैटर्न को कंप्लीट करके, ए बी और सी को कंप्लीट करके अपना जो फर्स्ट टॉप था वहां तक पहुंच जाएगी। गाइस तो ये आपको अभी पहुंचते हुए नहीं दिखेगा, ये आपको आने वाले 10 साल के अंदर आते हुए दिखेगा। 10 साल में आप सोच रहे होंगे इकोनॉमी इंक्रीज हो जाएगी, इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है, पर डेप्थ इंक्रीज हो रहा है। गाइज हमारी मार्केट यूएस इकोनॉमी की तरह ही रिएक्ट करती है, और यूएस इकोनॉमी में इतना डेप्थ आ गया है आपको नहीं पता, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइज वो सारी फैक्टर्स जो मैं आपके साथ डिस्क्राइब करूंगा उन सबका एक कॉन्क्लूजन, ये चार्ट का एक कॉन्क्लूजन बना के हम पता करेंगे कि एग्जैक्ट निफ्टी कहां तक जा सकता है आने वाले 10 साल के अंदर, जो मंथली चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है। अब हमने बात कर ली है कि 10 साल के अंदर हमारी मार्केट कहां जा सकती है, डेली बेसिस में हमारी मार्केट इंट्राडे में कहां जा सकती है। तो गाइज आप समझ गए होंगे, अगर हम 5 मिनट का चार्ट ओपन करके रखते हैं तो मैंने अपनी आज जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा।
तो गाइस ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आपको मैं इंट्राडे में स्ट्रैटेजी, ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये आपको मैं पूरी कोर्स से सिखाऊंगा, जिसमें आपको कौन से मूविंग एवरेजेस से और कैसे पिवट पॉइंट्स और फिबोनाची का यूज करके आप किस तरीके से इंट्राडे में 50 पॉइंट्स मिनिमम अर्न कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर तो आप अराउंड 100 पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं मिनिमम सिर्फ इंट्राडे के अंदर, हर मिनट तो हम नहीं कह सकते, जब भी कोई ऐसा मोमेंटम आता है। तो गाइज ये बहुत सी स्ट्रैटेजीज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो आप शॉर्ट शॉर्ट आपको प्रॉफिट करा के देगी। तो गाइज मेरे चैनल में सब्सक्राइब तो आप जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइएगा कि आप मेरे से ऐसी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, तो मैं आपके लिए कल या परसों से ही वो सर्विसेज स्टार्ट कर दूंगा। और गाइज मैं आपके लिए जो ये वीडियोज लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको सारी कॉजेस के बारे में बताऊंगा जहां से मार्केट गिर सकती है या बढ़ सकती है, तो उसके साथ मेरे साथ बने रहिएगा, उसको जरूर वॉच करिएगा और ये सारी चीजें आपको पता लगा देंगी कि मार्केट कहां तक जा सकती है। तो मेनली आप पता लगा चुके कि मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में है, पर उसका अगर हम मेजर ट्रेंड की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। आप कंफ्यूज मत हुईगा इस चीज को देखकर, पर आपको ये दिखानी जरूरी है। तो आप गाइस आप जानते तो होंगे कि एक हायर टॉप हायर बॉटम बनता है मार्केट में, तो हायर टॉप बना है, हायर बॉटम भी बन रहा है मंथली चार्ट में, देख सकते हैं यहां से ही ऊपर गया नीचे गया, इसने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, वहां से फिर ऊपर गया प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा और वहां से वापस ऊपर गया। तो मतलब ये अगर हम कहना चाहें तो ये एक हायर टॉप हायर बॉटम बना रही है। हायर टॉप हायर बॉटम का मतलब होता है कि अभी मार्केट एक बुलिश जोन में है और यहां से बुलिश जोन जो बन रहा है ये हम कह सकते हैं ये एक है जहां पर मार्केट अपनी एक रेंज बाउंड दिखा रही है। इस लेवल से अगर वो ऊपर जाती है अराउंड हम कह सकते हैं मार्केट 11,100 तक जा सकती है और वहां से शायद ना भी जाए और वहां से हमें गिरावट आते हुए भी देख सकते हैं इसी लेवल से। तो गाइस हमें अपने हाईज में बेचना है, ना कि हमें अपने मिड पॉइंट में बेचना है, हम अपने हाईज में बेचेंगे। तो कोई भी ऐसा अगर हमें लगता है कि मोमेंटम अब आने वाला है, हम आपको तुरंत बता देंगे अपने वीडियो के अंदर और आप तुरंत अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो आप ये रेंज देख लीजिएगा, इस लाइन को अगर आप इंक्रीज करेंगे जो आपका लेवल बनेगा वो 11,100 तक का बनेगा जो उसका हाई है, वहां से वो डबल टॉप बना के वापस एक डाउन ट्रेंड में आएगा और जो डाउन ट्रेंड होगा वो दिसंबर तक आपको 10,000 के लेवल तक भी लेकर जा सकता है। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए, बहुत सी खतरनाक रिसर्च करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपके पसंद आई ये वीडियो जो भी देख रहे हो, और उसे लाइक जरूर करके मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक बंदा मुझे बताए कि उन्हें ये वीडियो कैसी लगी, कोई समझने में दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगा। तो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल नई इंटरेस्टिंग वीडियो और फैक्ट्स के साथ।